भाई एक 150,000 के अंदर एक अल्टीमेट पीसी बिल्ड किया है, जो आप देख सकते हो यार, सब कंपोनेंट सुपर है। मेन स्टोरेज भी मैंने WD का 1 TB Gen 4 SSD और 32 GB रैम यूज किया है। प्रोसेसर भी इंटेल i7-12700K यूज किया है। जैसे कि आप देख सकते हो 12700K वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर बोल सकते हो, काफी अच्छा प्रोसेसर है, जिसके अंदर 25 MB कैश मेमोरी रहता है और ये अनलॉक्ड प्रोसेसर रहता है। हालांकि आप अनलॉक्ड भी नहीं ले सकते तो भी चलता था, लेकिन कस्टमर को बेस फ्रिक्वेंसी काफी अच्छा चाहिए था। बिना ओवरक्लॉक वाला भी आप ले सकते थे, लेकिन कस्टमर बोल रहा है कि मुझे बेस फ्रिक्वेंसी काफी अच्छा चाहिए, मुझे ओवरक्लॉकिंग करना नहीं है, लेकिन मुझे 12700K ही चाहिए। सो मैंने भी पूछा, उन्होंने बोला कि काफी अच्छा प्रोसेसर है, मुझे 12700K ही बाई करना था। उनके हिसाब से मैंने ये 12700K को चूज किया। मेन स्टोरेज 1 TB Gen 4 WD SN 770 5150 MB/s वाला स्पीड वाला SSD लिया, जो एक बजट इकोनॉमिकल Gen 4 SSD बोल सकते हो। थोड़ा 2-3 हजार रुपए अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप Gen 4 के अंदर भी SN 850 भी चूज कर सकते हो। रैम मैंने यूज किया इनके लिए Trident Jet Neo G Skill का 8x2 के 4 किट टोटल, मतलब 2 किट टोटली 4 RAM 3600 MHz वाला मैंने रैम यूज किया है। पावर सप्लाई मैंने ROG 750 वॉट्स का रॉक सीरीज का स्टिक सीरीज का यूज किया, काफी अच्छा पावर सप्लाई है। आर्टिक 240mm AEO सर काफी पसंद किया है कि आर्टिक का AEO चाहिए था। और मदरबोर्ड मैंने यूज किया है B660 रॉक स्टिक्स का, एक बजट इकोनॉमिकल रॉक स्टिक्स। इसके अंदर ए गेमिंग की जगह आप एफ गेमिंग ई गेमिंग भी ले सकते हो, लेकिन कस्टमर ने बोला मुझे कि ए गेमिंग वाईफाई D4 भी चाहिए था। तो ये वाला काफी अच्छा मदरबोर्ड है, इसके अंदर हीट सिंक क्वालिटी भी काफी अच्छी आती है प्राइम सीरीज के मुकाबले में, या फिर बेसिक जो इनका सीरीज आता है उनके हिसाब से। टफ सीरीज से भी ये रॉक स्टिक्स की सीरीज है, काफी अच्छी हीट सिंक क्वालिटी आती है। अगर आप ड्रीम पीसी बनाना चाहते हो व्हाइट वाला थीम वाला पीसी, तो ये काफी अच्छा मदरबोर्ड आपका रिकमेंडेड है। रॉक का जो लोगो रहता है ना, ये भी आज ग्लो रहेगा, जो एक काफी अच्छा लुक रहेगा। और ग्राफिक कार्ड मैंने यूज किया ओरस का 3060 Elite सीरीज का। हालांकि कस्टमर को मास्टर सीरीज चाहिए था, मास्टर सीरीज इंडिया में अवेलेबल नहीं था, इसलिए 3060 Ti ओरस Elite सीरीज का यूज किया, जिसके अंदर आप वर्टिकल GPU करते हो तो भी काफी अच्छा फैन की लुक्स आती है। उसके अलावा ये ग्राफिक कार्ड 4 साल वारंटी के साथ में आता है। इसका ओवरक्लॉकिंग के अंदर आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा रहता है कंपेयर टू गेमिंग ओसी के अंदर। केस मैंने लियानली का 215 सीरीज का केस यूज किया है, काफी अच्छा केस है। फ्रंट में 2 200mm फैन, 1 बैक 120mm का फैन आता है, और टॉप पे 2 USB पोर्ट ऑडियो जैक भी इंटीग्रेटेड रहता है। ये तो रहा भाई कंपोनेंट, अभी पीसी बिल्ड करना है, पीसी बिल्ड करेंगे।